हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट डेकोर इंटीरियर। दोस्तों आज बात करते हैं बाथरूम में टाइल्स आपको कौन से कलर के लगाने चाहिए, किस तरह से लगाने चाहिए, कैसा आपको डिजाइन करवाना चाहिए। लाइक अगर आप बाथरूम बनवा रहे हो, बाथरूम में टाइल्स लगवा रहे हो, तो आप हमारे चैनल से आइडियाज ले सकते हो कि आपको बाथरूम में किस किस कलर की टाइल्स लगवाने चाहिए, कैसे लगवाने चाहिए। दोस्तों ये हमारे बाथरूम का आपको मैं साइज वगैरह सब बताऊंगा और हम क्या चीज़ें लगा रहे हैं वो भी सब बताऊंगा। दोस्तों ये हमारा 10x10 का बाथरूम है, जिसमें कि अभी टाइल्स लग रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। दो वॉल्स पर टाइल जो है लगे, ये भी बताऊंगा टाइल का साइज क्या है, टाइल्स को हम कितने ग्रुप दे रहे हैं, किस हिसाब से लगा रहे हैं, और ये जो चीज़ हम लगा रहे हैं ये क्या चीज़ है सब बताऊंगा। सो पहले आपको बता देता हूँ कि 10x10 फीट का हमारा बाथरूम है, जो कि हम गेट से जैसे एंट्री करते हैं, एंटर करने के साथ ही यहाँ पे हमारा जो है पॉइंट पॉइंट छोड़ रखा है, माना यहाँ पर हमारा जकूजी लगेगा और ये वॉल पॉइंट है जकूजी के लिए, यहाँ पे जकूजी लगेगी और जो जकूजी के पास जो है शावर पार्टीशन आएगा हमारा, यहाँ पे इस जॉइंट जो हमारा टाइल का हमने दे रखा है, यहाँ पे शावर पार्टीशन आएगा और यहाँ पर लगेगा हमारा शावर पैनल, जो कि नहाने के लिए काफ़ी खूबसूरत शावर पैनल आएगा, जो कि हम आपको बाद में फाइनल व्यू भी दिखाएंगे इसका। और जो शावर पैनल के साथ है, जो हम निश बना रहे हैं, जो कि अभी मतलब बनी रही है एज पर ड्राइंग, तो अभी कंप्लीट होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम यहाँ पे निश बना रहे हैं, निश के साथ जो है हमारी विंडो आती है वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ पर आ गया हमारा WC, जो कि इसका जो डिज़ाइन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा टाइल में, इसमें हम कैसे ग्रूव दे रहे हैं, कैसे डिज़ाइन बना रहे हैं। इसका डिज़ाइन कुछ थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल टाइलों से, जैसे इसमें हमने नॉर्मल ग्रुप दिए हैं वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में दे दिए, लेकिन इसमें थोड़े ग्रुप है वो थोड़े अलग है, तो वो आपको मैं कंप्लीट होने के बाद दिखाऊंगा। और जैसे ही सीट के जो साइड वाले दीवार है, इस पर हमारा आ रहा है वॉश बेसन, जैसे कि गेट से हम एंट्री करी हो गया, एंट्री करते ही राइट साइड में हमारा है वॉश बेसन आ रहा है, वॉश बेसन के बाद इधर WC आ रहा है, और इसके साथ जो है शावर के साथ आपके नीचे से है। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा बाथरूम है वो 10x10 फीट का, और इसमें ब्लैक फिनिश में हम टाइल्स दे रहे हैं, इटालियन लुक में टाइल दे रहे हैं, जो कि देखने में इसके फिगर है वो रैंडम है और इटालियन देखने में ऐसा लग रहा है जैसे इटालियन लगाया आपने, टाइल वाली फील आती नहीं है, पूरा ऐसे लग रहा है जैसे इटालियन ही लगाया आपने। काफ़ी अच्छी जो है इनकी फिनिश आ रही है, लुक देख सकते हो आप कितना प्यारा आ रहा है। टाइल्स का मैं आपको साइज़ बता देता हूँ कि टाइल्स का जो साइज़ है हमारा वो 800 mm x 1600 mm की टाइल है, काफ़ी बड़े साइज़ की टाइल्स है, और इन टाइलों को में इन टाइलों के जॉइंट में हम दे रहे हैं 4 mm का ग्रूव, जो जब भी टाइल्स लगती है तो ग्रूव देने के लिए 4 mm का स्पेसर जनरली प्लस वाले सभी देते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये लेवलिंग स्पेसर है, एडजस्टमेंट स्पेसर है, इनके बिना आप टाइल्स कभी मत लगवाइए। अगर आप स्पेशली बड़ी टाइल लगवा रहे हो तो बड़े टाइलों में बैंड होता है, और बैंड निकालने के लिए ये जो एडजस्टमेंट लेवलिंग स्पेसर है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि इनसे आपकी टाइल्स में थोड़ा बहुत भी अगर बैंड होता है तो वो निकल जाता है। ये जॉइंट के बीच में लगता है और एक टाइल में आप 2 लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो, और टाइलों के अंदर बिल्कुल भी बैंड नहीं है, बिल्कुल भी टाइल्स ऊपर नीचे नहीं है, टक नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग के अंदर है। इतनी बड़ी टाइल ये जो है वो टाइट कर लेते हैं जॉइंटों को और टाइलों को, तो आप देख सकते हो कि इस हिसाब से लगता है, तो क्या है कि ये टाइलों को ऊपर नीचे नहीं लेता, दोनों टाइलों को मिला देता है, बिल्कुल भी बाल भर का भी मैं कहता हूँ 1 mm का भी ऊपर नीचे टाइल नहीं रहता, 19-20 का भी बिल्कुल फिक्स कर देता है। तो आपको जब भी टाइल्स लगा हुआ बड़े, तो आपको ये लेवलिंग स्पेसर जरूर लगाने ही लगाने चाहिए, और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि आपका लगाने वाला कारीगर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, स्किल्ड मेसन होना चाहिए, उसने पहले लगाई हो टाइल्स, बड़ी टाइल्स वही लगा सकता है। अगर आप कोई नया कारीगर पकड़ के लेके आओगे तो वो इतनी अच्छी फिनिशिंग आपको नहीं दे पाएगा, और वो इतना अच्छा काम बड़ी टाइलों का कर भी नहीं पाएगा। और आप बड़ी टाइल जब भी लगवाओ तो एडहेसिव से लगाना टाइल, एडहेसिव से ग्रे सीमेंट से कभी मत लगवाना, क्योंकि ग्रे सीमेंट से ये पेस्ट नहीं होगी और थोड़े दिनों बाद इनमें आप साउंड करने लग जाएगी और ये निकल भी सकती है। तो देख सकते हो दोस्तों हम जेड ब्लैक के अंदर हमारी टाइल्स है, कितनी अच्छी फिनिश है इसकी, ब्लैक कलर की टाइल बाथरूम में बात कुछ अलग है, फिनिश कुछ अलग आती है, काफ़ी अच्छा लुक आता है इनका। और इनका डिज़ाइन मैं आपको एक बार बता देता हूँ, हमने इसका डिज़ाइन कैसे बनाया है। वैसे हम 2400 के हाइट पर टाइल्स ले रहे हैं और हमारी 3 टाइलें हैं 800 800 mm की, तो 2400 के हाइट में 3 टाइलें लग रही है, लेकिन हमने जो नीचे वाली टाइल्स है उनमें 800 की टाइल्स में एक बीच में कट लगा दिया, 400 400 की 2 टाइल्स कर दी, फिर उसके ऊपर एक हमने पूरी टाइल ले ली है कितने की 800 की, और फिर उसके ऊपर 400 400 के 2 पट्टे आ गए हमारे, ऊपर 400 400 के, फिर 800 की, और फिर 400 400 के, इसमें आपके 4 ग्रुप आ गए,
और काफी अच्छे भी लग रहे हैं गुरु। ऊपर दो छोटे पट्टे 400-400 के बीच में बड़ी टाइल, और नीचे फिर दो छोटे, काफी अच्छे भी लग रहे हैं गुरु। और इन ग्रुप के अंदर आप डिफरेंट कलर की अपोक्सी भरवा सकते हो, लाइक गोल्डन कलर की भरवा सकते हो, नहीं तो आप ब्लैक भी भरवा सकते हो, काफी अच्छी लगेगी, ब्लैक भी अच्छी लगती है जोटो में। तो दोस्तों आप जब भी टाइल्स लगवाओ तो मैंने जो आपको पॉइंट बताया, इनको पॉइंट को ध्यान में रखिए कि आपको लेवलिंग स्पेसर जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि लेवलिंग स्पेसर के बिना आप टाइल्स कभी मत लगवाइए। और हमने 4mm का ग्रुप हुआ है गुरु, आप कम ज़्यादा भी करवा सकते हैं, 3mm का, 4mm का, 5mm का, 2mm का, 6mm का। हमारी जॉइंट भी देख सकते हो कितनी फिनिशिंग से हम जो है काम कर रहे हैं साइडों पे, क्योंकि क्लाइंट का एक ट्रस्ट होता है इंटीरियर वालों पे कि हाँ हमें ये काम अच्छा करके देंगे, इसीलिए वो हायर करते हैं हमें, रिफरेंस से ले लो चाहे कैसे भी ले लो। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको एक बेटर काम करके दें, बेटर फिनिशिंग दें, ताकि घर घर बार घर बार बार तो बनता नहीं, एक बार बनता है और एक बार में हम क्यों जल्दबाजी करें, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए, और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।